गूगल सर्च में आप टाइप करना क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। और वहां पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में लिखा होगा एड एक्सटेंशन, तो आप लोग नॉड, NOD नॉड, वो आप लोग ऐड कर लेना सभी लोग, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी अभी कर नहीं बेटा, आज जैसे आपका ये क्लास खत्म हो जाएगी ना 4:40 पे, उसके बाद आप ऐड कर लेना। एक्सटेंशन क्या चीज? एक्सटेंशन हाँ, क्रोम एक्सटेंशन, तो उसमें नॉड, NOD नॉड, वो आप लोग ऐड कर लेना सब लोग। अब उसका बेनिफिट क्या होगा अभी बताती हूँ मैं आपको, रुक जाओ। क्या सर्च करना है? पहले गूगल सर्च में डालना क्रोम वेब स्टोर, पर मैम पीसी के लिए है ना। फिर ठीक है, फिर उसमें ऐड एक्सटेंशन में जाना। हाँ बेटा, ये पीसी के लिए, मोबाइल में नहीं, मोबाइल मैम पीसी के लिए, पीसी के लिए में भी ट्राई कर लेना बेटा, मुझे आइडिया नहीं मोबाइल के लिए, मोबाइल का मुझे आइडिया नहीं है, बट पीसी में और लैपटॉप में तो हो रहा है, उसमें ऐड कर लेना NOD नॉट, देयर इज वन एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर में नॉट, तो आप उसको ऐड कर लेना। उसका यूज क्या, मैं भी आपको बताती हूँ। नोटेड नॉट, क्रोम आप जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे फिर क्या होगा, वेब स्टोर तो आपको ये देखिए इस टाइप क्रोम एक्सटेंशन होगा उसपे एन ओ का। हाँ, आप देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में कुछ थंब क्लैप, अच्छा रुक जाओ मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, वेट करो। मैं बता रही हूँ क्या करना है। पहले बोल रही थी आप सर्च करना है नोड, नोड ये लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया बेटा, ठीक है। अच्छा इस लिंक से आप जाओगे तो ऑटोमेटिक वही नॉड आपको मिलेगा, और ये आपको इस टाइप का दिखेगा, दिख रहा है सबको इमोजी? मैं तो ये सब आप यहाँ पे ऐड क्रोम करना मैं ऐड, हाँ अब करेक्ट करेक्ट, समझ में आ रहा है ऐड टू डेस्कटॉप। ऐड करना है आपको, बिल्कुल आधे कर लेना बेटा, ये आपको दिख भी रहा होगा, सामने दिख रहा है ना सबको, ये है नॉड रिएक्शन फॉर गूगल में, यहाँ लिखा है रिमूव क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, आप लोगों में ऐड लिख करके आएगा तो आप इसको ऐड कर लेना, आगे समझ में? यस मैम। तो आप इसको करने से क्या होगा आपको, इस टाइप की जैसे मान लीजिए सपोज आपको डाउट हो रहा है, डाउट होगा तो आप इस तरह से लिखोगे कि थोड़ा यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, देयर आता है, जिसको भी डाउट होगा वो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, तो आप इसको करना तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग म्यूट पोजीशन पे रहना और उसी से आपके डाउट्स यहाँ पर आ जाएंगे, फिर क्रॉस कर देना। इन केस आपको कोई चीज अच्छी लगी, किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया तो आप इस तरह से क्लैप कर सकते हो कि क्लैप हो गया, तो ये सारे इस तरह से है। हाँ, फालतू का यूज नहीं करना इसका, क्योंकि सब सबको सब मैं कुछ फिजिबल होगा। हाँ बोलो बेटा। मैंने कर दिया फिर रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा, पर मैं कास्ट पे आ रहा है। यदि आपने कर लिया बेटा तो आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दिखेगा, देखो इस साइड पे यहाँ पे आ रहा होगा, ये 3 आएंगे, जब भी कर लोगे इस टाइप का आ जाएगा, आज ट्राई कर लेना, बाद में अभी अर्जेंट नहीं है, मैं भी आ नहीं रहा। बाद में ट्राई कर लेते, मैंने आपको लिंक बता दिया ना और हेल्प बता दिया, ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाद में ट्राई कर लेना, इट्स ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अरे
मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम जब वहां पर जब अपन नॉट उसमें लिख देंगे क्रोम वेब स्टोर पे, फिर मैम उनको करना क्या है? बस उसमें जैसे आप नॉट लिखोगे तो राइट साइड में लिख करके आ जाएगा ऐड, ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ऐड को क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। हाँ कोई भी डाउट होगा बाद में तो और भी पूछ सकते हो। चलो। ओहो ये तो मैंने इसको चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ पहले देख लो रोटेट होगा ये। हाँ चलो रोटेट हो जाएगा। चलो गुड। अब ये सारी चीज ओके। टुडे वी विल स्टार्ट। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा है ना? मैम उल्टा दिख रहा है। 2.5 बने रोटेट कर लिया। 2.4 तक ऑलरेडी आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड, एम आई राइट? यस मैम। हाँ सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट 2.5 देन थर्ड देन फोर्थ चैप्टर। ठीक है? सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। ये आपका आपने ऑलरेडी मुझे लगता है 6th क्लास में कुछ पार्ट इससे से किया, सिंपल है, आप कर लेंगे आराम से। विच इज ग्रेटर, अब इसकी एक ट्रिक समझा रही, ध्यान से देखना इसकी ट्रिक क्या है। विच इज ग्रेटर 0.5 और 0.05, ध्यान से समझना। अब आपको जब भी कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करना। You all know what is integral part and what is decimal part. I have already explained in 6th class. You all know what is decimal and what is integral part? Yes, ma'am. One explain. Yes, ma'am. What is the meaning of integral part? Ma'am, zero is an integral part. हाँ, integral part means simple सा है कि decimal के just पहले, whatever written just before decimal sign is integral part, and whatever written just after decimal sign is डेसिमल पार्ट। तो आपको सबसे पहले किसको कंपेयर करना है, इंटीग्रल पार्ट को। इफ इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर, जिसका भी ग्रेटर होगा वो डेसिमल ग्रेटर हो जाएगा। बट इन दिस केस इंटीग्रल पार्ट क्या है, सेम। अब जब सेम हो जाएगा तो हम कहां शिफ्ट हो जाएंगे, डेसिमल पार्ट में। अब डेसिमल पार्ट में शिफ्ट होंगे तो आप डेसिमल पार्ट में देखो, यहां पर है टेंथ प्लेस में क्या है 5, और यहाँ टेंथ प्लेस में क्या है 0. सबको मालूम है टेंथ प्लेस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, यू ऑल नो। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे टेंथ प्लेस को कंपेयर करेंगे। इन केस किसी का टेंथ प्लेस भी सेम हो, जैसे यहाँ देखो टेंथ प्लेस सेम है, अब टेंथ प्लेस सेम होगा तो फिर हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। इन केस हंड्रेड्स भी सेम होगा तो थाउजेंड्स को कंपेयर करेंगे। फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जहां पे ग्रेटर मिलेगा वही नंबर ग्रेटर ले लेंगे। इस केस में क्या है आपका, इसको पहले इरेज कर दूं जरा। इस केस में आपको क्या मिल रहा है, टेंथ प्लेस ऑफ 0.5 इज 5 एंड टेंथ प्लेस ऑफ 0.05 इज 0 एंड 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। आगे सबको कॉन्सेप्ट समझ में? यस मैम। अब सपोज करो कोई नंबर ऐसा होता 2.3, ये माउस से लिख रहे हैं इसलिए टाइम लगा, 4, 5, सपोज एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 2.3, 4 और यहाँ पर है 6। अब हम जब कंपेयर करेंगे 2, 2 सेम, आगे बढ़ जाओ 3, 3, 2, 3, 4, 4, 6. 4, 4, सेम, नेक्स्ट 6, जहां ग्रेटर मिलेगा दिस नंबर 2.346। यस, क्लियर हो गए सबको अच्छे से? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेसेस रुपीस यूजिंग डेसिमल, या फिफ्थ क्लास से करते आ रहे हो, जब भी रुपीस और पैसे की बात, विच वन इज ग्रेटर, रुपीस इज ग्रेटर देन पैसे।
तो जब स्मॉलर क्वांटिटी को ग्रेटर में कन्वर्ट करते, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिसन केयरफुली, वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर क्वांटिटी इंटू ग्रेटर क्वांटिटी देन यू हैव टू डिवाइड. जब भी स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करना डिवाइड करेंगे, और ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. अब आप यहाँ देखो, पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. अब पैसे इस स्मॉल है कि ग्रेटर है रुपीज से, जल्दी बोलो. स्मॉल स्मॉल, इसका मतलब आपको स्मॉलर को ग्रेटर में करना है. स्मॉलर आपको ग्रेटर में करेंगे तो ये मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट. 77 रुपीज 77 पैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने पूरा स्टेप लिख दिया है. प्लस पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे. क्यों डिवाइड किया, बिकॉज पैसे स्मॉलर है रुपीज ग्रेटर है. अब जैसे 77 अपॉन 100 आ जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, आपके पास यदि ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है. हाउ मेनी जीरोस आर देयर, खूब अच्छे समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हाउ मेनी जीरोस आर देयर, टू. यदि टू जीरोस होंगे तो न्यूमरेटर में टू के पहले डेसिमल लग जाएगा. जैसे 77 है, 77 को 77.0 लिख सकते हैं. अभी मैंने अपॉन कर दिया 100, देखते जाना अब क्या होगा. ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल नीचे टू जीरोज हैं, तो ये डेसिमल टू डिजिट पीछे जाएगा. यानी ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होके 1, 2, यानी ये डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगा. जब यहाँ पहुंच गया तो क्या बन गया, 0.77. आगे सबको समझ में, यानी ये डेसिमल यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 0.77. लेकिन ये कब होगा, जब ये अपॉन 100 यहाँ से हट जाएगा, इसलिए इसके वैल्यू आ गए 0.77. एनीवन एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट, अनम्यूट करो और पूछो जल्दी. आ गया, क्लियर क्लियर बेटा? यस मैम. अब किसी को भी डाउट हो तुरंत अनम्यूट करना. और एक चीज और सुन लो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस में आप क्या कर रहे हो, नहीं पढ़ना चाहोगे कोई कुछ नहीं कर सकता, बट प्लीज बी सिंसियर. आप ये समझो कि आपकी क्लासेस हो रही हैं. मैम बोलो बोलो बेटा. मैम आप एक बार और एक्सप्लेन कर देंगी? हाँ रुक जाओ, हाँ ध्यान से देखो. आप सपोज चलो उसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ. सपोज मैंने ले लिया 77 अपॉन 1000 ले लिया मैंने. 1000 होता है, यहाँ तो 100 है, बट आई एम टेकिंग हियर 1000. नाउ 77 जिस नंबर में कहीं भी डेसिमल ना हो, ये डेसिमल मत काउंट करना, ये डेसिमल नहीं है, कहीं भी डेसिमल ना हो तो लास्ट में डेसिमल लगा देते हैं. तो 77 कैन बी रिटन है 77.0. नाउ हाउ मेनी जीरोज आर इन डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसके लिए जब अपॉन में 10, 100, 1000 यहाँ पे 1 होना चाहिए. आप सोचो कि ये कॉन्सेप्ट 2000 होने पे या 3000 होने पे, बिल्कुल नहीं होगा. ये सिर्फ इसके लिए, व्हेन यू हैव टू डिवाइड एनी नंबर बाय 10 और बाय 100 और बाय 1000 एंड सो ऑन, ये उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रही. पहली बात ये ध्यान रखना, ये होना चाहिए. अब हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 3 जीरोज आर देयर. अब यदि 3 जीरोज हैं, ध्यान से देखना, 3 जीरोज होंगे तो जो डेसिमल है ये 3 डिजिट पीछे जाएगा. डिवाइड होने पे डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और मल्टीप्लाई करने से डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा. ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझा दिया था. डिड आई एक्सप्लेन इट इन माय प्रीवियस क्लासेस? डिड आई एक्सप्लेन इट? यस मैम. हाँ, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 3.
ये डेसिमल थ्री डिजिट पीछे शिफ्ट कर दो। जब थ्री डिजिट पीछे जाएंगे तो वन टू, हमारे पास टू ही डिजिट है। अब जब एक डिजिट कम है तो वहां पे स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, जीरो। तो ये डेसिमल यहां से, रुक जब इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आ जाए। वेट 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 वेट, ये डेसिमल यहां से जाएगा वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट। अब थ्री डिजिट तो है ही नहीं, यहाँ लगा देंगे जीरो, और ये डेसिमल यहाँ से पहुंच जाएगा यहाँ पे, और डेसिमल के पहले जीरो, 0.077। आगे मैम डिनोमिनेटर में तो टू जीरो है मैम, यहाँ पे तो थ्री जीरो है। वो बेटा मैंने एग्जांपल अपने मन से कुछ और समझाया है, यहाँ टू जीरो से इसलिए टू डिजिट में चला गया, थ्री जीरो होंगे तो थ्री डिजिट में चला जाएगा, फोर जीरो होंगे तो फोर डिजिट पीछे जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और करते, मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, सॉरी 10,000, हाउ मेनी जीरो आर इन 10,000, फोर फोर। अब ये डेसिमल कितने डिजिट पीछे जाएगा, फोर, तो आप 0.0077 0.0077 3। अब एक जीरो और लेना, एक जीरो मैंने लिया और बड़ा सा जीरो बना दिया, तो ये डेसिमल कहाँ लगेगा, जाके यहाँ पे लग जाएगा 0.007 यस 0.0077, और यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो बस अब आप ऐसे कॉन्सेप्ट करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो 77 + 0.77 + करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट था उसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है, ध्यान से देखना, मुझे क्वेश्चन याद है। यू हैव टू कन्वर्ट, हाँ बेटा बोलो। मैम ये तो आपने बता दिया ना थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 100। वाई 100, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखो ट्रिक लिखी, इसको आज मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी। ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इन सब के बीच में 10-10 का रिलेशन होता है। अब आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर यहाँ पर है और मीटर यहाँ पे है। अब इसके बीच में काउंट कर लो कितने 10 आएंगे, इन दोनों के बीच में 110, इन दोनों के बीच में 110, टोटल 210, 210 का मतलब 100, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया। ये ट्रिक सबको समझ में आ गई? यस मैम। अब आपको यदि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, अच्छा एक काम और करना नेक्स्ट टाइम से बेटा, आप लोग बुक ओपन करके रखना। हैव यू ओपन योर बुक? यस मैम। बुक आपकी ओपन रहेगी, पेन पूरा बॉक्स वो रखना आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, इनकेस कोई जरूरत पड़ जाए। और एक रजिस्टर में ही लिख रहे हैं। गुड, तो अब यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर। क्वेश्चन देख लेना, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर। अब जब किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ ट्रिक देखो ध्यान से, पूरा फोकस रखना बेटा, ये नहीं कि वहां पे खाना भी खा रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, साथ में कुछ और भी काम हो रहा है, पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना। अब आप सेंटीमीटर ये है, किलोमीटर यहाँ पे काउंट करो कितने 10 आएंगे बीच में, देखो इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 का मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5 1 लाख से डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जाएगा 5 डिजिट पीछे। फिलहाल डेसिमल है अभी यहाँ पर, अभी 5 डिजिट पीछे जाएगा तो आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपको 4 लगाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? यस मैम। बस ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में आपको ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, आराम से ग्राम केजी का मैंने ये लिख दिया। देखो जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर होता है वैसे ये होता है, सिर्फ एक एम लिखेंगे यहाँ पर, जी 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 लिखेंगे, बाकी सेम। ये डिवाइड किया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रीड करो, एनी वन ऑफ यू रीड। सौम्या मिश्रा,
Write the following decimal number in the expanded form. Okay, चलो अब ध्यान से देखो, ये डेसिमल नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सबको पता है. 2 इंटू 10 20 प्लस जीरो है तो इसको लिखेंगे नहीं. और इसकी प्लेस वैल्यू क्या, किस प्लेस में है ये, 3 100, तो 3 अपॉन 100. अच्छा रुको, मैं एक क्वेश्चन अलग से लिख के दिखाती हूँ. मान लो मैंने ये लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब ध्यान से देखना कैसे लिखोगे. अब ये 2 किस प्लेस में चेक करो, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 2? 100. इसको क्या लिखेंगे, 200 प्लस व्हाट इज द प्लेस ऑफ 3? 10. 3 इंटू 10 जो प्लेस होती है उससे मल्टीप्लाई करो, 30 प्लस व्हाट इज द प्लेस ऑफ 4? 4 into 1, 4 plus what is the place of 5? 1 upon 10. जब 10 हो जाता तो 1 upon 10, तो 1 upon 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख देना 5 upon 10. Place of 6? 6 upon 100. 100 था तो लिखेंगे 6 upon 100 प्लस 7 upon 1000. सॉरी, हाँ 7 upon 1000. ये 10, 100, 1000. ये बस ये ध्यान रखना, डेसिमल के बाद अपॉन अपॉन आता है, डेसिमल के पहले इनटू इनटू आता है. हाँ इसमें एक डिफरेंस, यहाँ पे वंस होता है, यहाँ पे वंथ कुछ नहीं होता, टेंथ से स्टार्ट होता. आगे सब कुछ समझ में? Yes, ma'am. ये जीरो को, जहाँ जीरो को उसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए जीरो अपॉन, आप चाहो तो लिख भी सकते हो प्लस 0 upon 10, बिल्कुल लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है. और फिर यहाँ एक प्लस और लगा दो, ये भी करेक्ट कर सकते हो. लास्ट 6 क्वेश्चन कोई रीड करो. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. हाँ, आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू. अब इसका जो आंसर दिया है पीछे, खूब अच्छे से समझना, आंसर पीछे रॉन्ग गिवन है, उसमें प्लेस वैल्यू नहीं दिया, उन्होंने प्लेस लिख दिया है. इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेना, कोई एक आंसर पीछे चेक करो इसका प्लेस, कोई आंसर चेक करके बताओ क्या है पीछे, कोई भी रीड करो एक आंसर इसका. फर्स्ट का मैं सिक्स का वंस है मैम, इसमें वंस लिखा है. हाँ वहां पे लिखा हुआ है वंस. एंड व्हाट इज वंस, जल्दी बोलो व्हाट इज वंस मैम. टू का क्या है, टू की क्या कहलाएगी वंस, व्हाट इज वंस? 2 into 1, यानी वंस जो है टू की प्लेस है. ध्यान से देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड प्लेस वैल्यू. टू किस प्लेस में है, वंस प्लेस में है. लेकिन वंस प्लेस में टू की वैल्यू जब निकालनी होगी तो उसको वंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा टू. तो टू इसकी प्लेस वैल्यू है टू की, लेकिन इसका यदि प्लेस पूछे तो टू किस प्लेस में है, वंस प्लेस में. आप यदि यहाँ पे आ जाओ, टू किस प्लेस में चेक करो, व्हाट इज इट प्लेस, इसे प्लेस बताओ किस प्लेस में थाउजेंड्स में, लास्ट में टी एच एस लिखोगे आप लोग, थाउजेंड्स. तो प्लेस तो थाउजेंड्स है, लेकिन क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में रॉन्ग लिखा है, आपसे प्लेस नहीं पूछा, आपसे पूछा है प्लेस वैल्यू, इस प्लेस में उसकी क्या वैल्यू है. तो क्या वैल्यू हो जाएगी, उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 2 upon 1000. यदि क्वेश्चन पूछते व्हाट इज द प्लेस ऑफ 2, तो प्लेस ऑफ 2 आंसर विल बी थाउजेंड्स. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे. डिफरेंस समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया? चलो यस मैम. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6. आप आज फटाफट जल्दी कंप्लीट करना है. 2.5 में 7, 8, 9 क्वेश्चन तो छूट गए आपके लिए. इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व, बहुत इजी है वो. प्लस माइनस करना है आप लोग कर लेना, ठीक है? यस मैम. तो मैंने देख लिया क्वेश्चन एक में आपको ऐड, बहुत इजी है वो, आपने फिफ्थ क्लास में किया हुआ है, कर लोगे. सिक्स में भी किया आपने, फिफ्थ में भी किया. नाउ 2.6 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है
और आप इसी स्टेप से करना जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपको यदि मल्टीप्लाई करना हो, हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 and 4.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। आप ये क्या एग्जांपल है क्या मैम? नो बेटा, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? मैम स्क्रीन दिख रही, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके। नो मैम दिख रही है, नो मैम दिख रही है, जिसको नहीं दिख रही, जिसको नहीं दिख रही बेटा, देखो या तो सबको नहीं दिखेगी तो मेरी प्रॉब्लम है, कुछ को दिख रही कुछ को नहीं दिख रही, तो जिसको नहीं दिख रही आपकी प्रॉब्लम है, चेक करो जिसको नहीं दिख रही। मैम वो आप दो दो जंगे है ना, इसलिए एक जंगे से आप बोल रही हैं। नो बेटा मैं एक ही जगह से हूँ, मैम एक दो दो जगह है, नहीं बेटा सुनो बेटा, जब वो एक्चुअली में क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं ना स्क्रीन, तो प्रेजेंट होने से वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। यस मैम। हाँ आप बताओ किसको स्क्रीन नहीं दिख रही, जल्दी बताओ। मैम मुझे दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही, मैम दिख गई। बस ठीक है, तो फिर जिसको जिसको नहीं दिख रही बेटा आपकी प्रॉब्लम है, चेक करो अपना नेटवर्क। मैम बोल रही है उस जगह से मत देखो, नीचे देखो, नीचे मैम मिलेंगी आप लोग। मुझे मिल गई। इज स्क्रीन विजिबल बेटा? यस मैम। यस मैम। नाउ फर्स्ट स्टेप, ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई, देखो थ्री केसेस आर देयर, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विदाउट डेसिमल इनटू डेसिमल, उस केस में या सेकंड केस बेटा, किसी म्यूट करो अपनी आपको, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जब डाउट होगा तब अनम्यूट करना। थ्री केसेस आ सकते हैं इसमें, ध्यान देखना, डेसिमल सॉरी विदाउट डेसिमल इनटू डेसिमल, या डेसिमल इनटू डेसिमल, ये भी डेसिमल हो ये भी डेसिमल हो, या दो में से एक डेसिमल ना हो, हर एक के केसेस में आपको स्टेप्स यही लिखना है। फर्स्ट स्टेप सिंस विदाउट डेसिमल, आप इसमें से डेसिमल हटा दो, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, डेसिमल इसमें से हटा दो। If we remove decimal sign, then 4.6 will be 46. बिना decimal के multiply कर लो तो answer आ गया 368. आप multiply करके देख लेना। तो पहले बिना decimal के multiply करना। Therefore, अब आप इसमें decimal लगा दो। जैसी decimal लगाएंगे, ध्यान से देखना, तो decimal लगाने में digits यही रहेंगी। सिर्फ एक difference आएगा कि यहाँ पे sign लग जाएगा decimal का। अब decimal का sign कैसे लगाएंगे? वो डिपेंड करता है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स अकाउंट करो, हाउ मेनी डिजिट्स आर जस्ट आफ्टर डेसिमल साइन, वन। इस आंसर में वन के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो जब वन के पहले डेसिमल लग जाएगा तो ये बन जाएगा 36.8। अब यही क्वेश्चन यदि ये होता, मैं चेंज करके बता रही हूँ, 8 into 0.46 equals, अब आप आंसर देखना, ये स्टेप सेम रहेगा, इसमें से डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दिया तो बन गया 46, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 368, ये डेसिमल मत मानना, ये तो मैंने अपने मन से लगाया, ये 368, ये 368 हो गया। अब आपको डेसिमल लगाना है, आप डिजिट डेसिमल लगाएंगे तो डिजिट से पहले कॉपी कर लो, 3.4668 नहीं 3.68। हाँ अब आप डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो, कितनी डिजिट है, 2। इस आंसर में 2 के पहले डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल कहाँ से काउंट करते हैं? वन्स प्लेस से, यहाँ से काउंट करना, या 3 से नहीं, तो 1, 2 यहाँ लग जाएगा डेसिमल, आंसर आ जाएगा 3.68। आगे सबको समझ में? मैम ऐसा होता तो मैम 8.1 मल्टीप्लाई बाय 0.46 तो कैसे करते? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8.4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब दोनों जगह डेसिमल हो। जा बताती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है, वेट। हाँ दिस वन, ध्यान से देखो, 2.5 into 0.3, आप पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 25, दिस विल बी 3, डेसिमल मैंने हटा दिया, आंसर आ गया 75,
75 को 75.0 लिख सकते हैं आप। देयरफॉर अब ये क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप, डिजिट्स यही कॉपी कर लो 75, पहले मैं कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, मैंने 75 कॉपी कर लिया। आप डेसिमल काउंट करो, डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट्स है जल्दी देखो, हाउ मेनी डिजिट्स, 1 1 1 यहाँ पे 1 है ना डेसिमल के बाद, मैम उससे 1 यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 1 और 1 मिलके कितने हो गए 2 से पहले डेसिमल लगा देंगे तो 1 2 यानी 7.75 यानी इसका भी डेसिमल काउंट करेंगे, इसका भी डेसिमल प्लेस काउंट करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे उतने की पहले डेसिमल लग जाएगा। आगे सब कुछ समझ में? यस मैम, यस मैम। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो बस, इसके बाद 2.6 तक आपका होमवर्क है, 2.5 एंड 2.6 ये वाला देख लो, इसमें डेसिमल हटा दिया मैंने तो बन गया 10101, इसमें से डेसिमल हटा दिया तो बन गया 01, 01 का मतलब 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन देयर विल बी नो चेंज, सेम उसी को कॉपी कर दिया तो ये तो हो गया विदाउट डेसिमल। अब मैंने डेसिमल यहाँ पे पुट किया, डेसिमल लगाएंगे तो डिजिट्स तो वही रहेंगे उसी 10101 10101 कॉपी कर दिया। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही क्या मैम? सबको दिख रही है, जिसको नहीं दिख रही उसकी प्रॉब्लम है बेटा, चेक करो अपना नेटवर्क। हेलो आप दिख रही है बेटा? दिख रही है, गुड गुड गुड, म्यूट करो म्यूट करो। आप डेसिमल लगाएंगे तब डेसिमल के बाद देखो क्या होगा, काउंट करो हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 1 2। मैम आपकी अब आवाज नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही क्या? मैं आ रही हूँ। आप लोग एक काम किया करो, पहले ये डिसाइड कर लो कि आपके घर में कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा होगा जहाँ नेटवर्क अच्छा होगा, वहीं बैठा करो, प्लस आपका डिस्टरबेंस ना हो कि टीवी भी चल रहा है, कोई आ भी रहा है, कोई जा भी रहा है, तो कोई ऐसा प्लेस आप लोग पहले से देख लो, वहां बैठ के किया करो। जहाँ तक हो सके मोबाइल से क्लास अटेंड मत करना, मोबाइल से करोगे तो बहुत आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, खासकर मैथ्स वगैरह में, तो इसके लिए तो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी चीज हो उससे किया करना तो ज्यादा बेटर है। खैर अब काउंट करो 1 2 यहाँ काउंट करो 1 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 तो 4 के पहले डेसिमल लग जाएगा तो 1 2 3 4 यानी डेसिमल इस 1 के पहले लग गया, ये लग गया डेसिमल, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गए सबको? आज मैं इसको व्हाट्सएप भी कर दूंगी, डोंट वरी, ये व्हाट्सएप भी हो जाएगा। ये आप 2.5 2.6 आपका होमवर्क है। अब मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, चलो अब आप लोग एक एक करके साईराम नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम, आई विल बी द लास्ट। साईराम मैम।